तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है तेजांगड़ और आप देख रहे हो मेरा चैनल ड्रैगन गेमर। और आज आप लोग देखने वाले हो मेरा फर्स्ट एपिसोड ऑन माय डीजी प्रो एसएमपी। स्पॉन होते ही मैं आसपास देखने लगा और मैंने अपने फ्रेंड हर्षल को देखा और उसने मेरे को वॉइस चैट में बताया कि उसका भाई अक्षत भी आया हुआ है। तो हम तीनों यहाँ पे मस्ती कर रहे थे एकदम। हाँ, और फिर मैंने थोड़े टाइम में देखा कि उधर एक कमांड ब्लॉक है, तो मैं उधर जाके बटन दबाया तो मेरे को एक माइनकार्ट मिला। तो मैंने क्या किया, हर एक सेंसिबल आदमी करेगा, माइनकार्ट को रोलर कोस्टर पे रखा और मैं निकल गया शहर पे, जहाँ पे हर्षल मेरा वेट कर रहा था कि मैं चले जाऊँ जिससे वो आ जाए। और जैसे ही मैं पहुँचा, उतने में मैं एक जगह देखा जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, एक फ्लावर बायम था। और मैं रूल्स को बिना देखे बस निकल गया। मैंने बस एक ही चीज़ नोटिस की, इधर डिस्ट्रक्शन, क्रीपर का फटना और डेथ। हाँ, तो ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत गंदी थी, तो इसलिए हम वहाँ से निकल गए। पर जाते जाते ही मैंने एक बेड देखा, तो मैं सोचा इसको ले लेते हैं। पर फिर मैंने सोचा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं किसी का गंदा पसीने वाला बेड क्यों लूँगा, इसको वापस रखो और अपने काम पे निकल लो। हाँ, और फिर मैंने एक अच्छी जगह ढूंढी और उधर वुड कटिंग चालू की। पर वुड कटिंग चालू करते ही अक्षत मेरे को परेशान करने लगा, तो अक्षत को मैंने मार मार के दूर किया और वापस काम पे लगा। पर जैसे ही वुड कटिंग चालू की, ऑब्वियसली अक्षत वापस मेरे को परेशान करने लगा। तो मैं बस वॉइस चैट में अक्षत को यही समझाया, प्लीज़ मेरे को परेशान मत करो, और वो फिर अपने काम पे निकल गया। तो फिर मैं वापस अपने वुड कटिंग के काम पे लग गया। फिर जैसे ही वुड कटिंग कंप्लीट हुई, मैंने सारे वुड के प्लैंक्स बनाए, स्टिक्स बनाए, हर एक नॉर्मल चीज़ की जो हर एक नॉर्मल गेमर करता है। फिर टूल्स बनाना चालू किया। अब इधर मज़ा है, मैंने एक एक्स बनाई, फिर स्वॉर्ड बनाई, फिर पिकैक्स की जगह मैंने एक एक्स बना ली गलती से वापस। और पता नहीं क्यों, ये कोई इतनी लाइक किसी गंदी बात भी नहीं थी, पर मैं बहुत गुस्से में था इसके लिए। मैं वॉइस चैट पे चिल्ला रहा था और अब और कुछ नहीं कर सकता, वापस वुड कटिंग कर सकता था मैं। हाँ, और थोड़ा और वुड काटने के बाद मैं वापस गया, प्लैंक्स बनाए लॉग्स के और एक पिकैक्स बना ली। और अभी भी मैं थोड़ा गुस्से में था, तो मैंने सबसे पूछा कि अगर किसी को एक्स चाहिए तो भाई मेरे से ले लो, मेरे को इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत वेस्टेज हो गया, पर मैं इतना नहीं सोचा कि लाइक मैं इसको बाद में यूज़ कर सकता हूँ। फिर मैं अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगा। फिर मेरे को हर्षल ने बताया कि अक्षत कुछ कर रहा है, तो मैं देखने गया और मेरे को दिखा कि वो एक वुल्फ को बरी कर रहा है। तो हम दोनों ने उसको मारा थोड़ा बहुत समझाने के लिए कि प्लीज़ ऐसा मत कर। और थोड़े टाइम बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो तब भी कर रहा है मस्ती। मैं उसको लिख रहा था चैट में कि हो सकता है उसको वॉइस चैट में ना सुन रहा हो, पर उसने लाइक निकालना चालू कर दिया, वुल्फ निकल गया। और जैसे ही वुल्फ निकला, मैं उसको पेट किया, काइंड ऑफ लाइक माइनक्राफ्ट में नहीं है पेटिंग। तो फिर मैं वुड काटने गया, पर जैसे ही मैं वुड काटना चालू किया, अक्षत ने बताया कि हर्षल ने उस वुल्फ को मार दिया है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि लाइक मेरे को अच्छा नहीं लगता है कोई लाइक खासकर वुल्फ जैसे डॉग होता है एक तरीके से, तो लोग डॉग बोलते हैं, उसको मार दिया। मेरे को गुस्सा आ रहा था, आई एम अ डॉग लवर, बड़ा डॉग लवर आई एम। हाँ, तो मैं हम दोनों ही हर्षल से बहुत गुस्सा थे, तो मैं हर्षल को वहाँ पे समझाने गया। हर्षल मैं वेट कर रहा था हर्षल कुछ बोले, पर वो बहुत स्लो है लिखने में। फिर थोड़े टाइम बाद उसने सॉरी की जगह हा 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 मतलब हंसा वो। तो मैं गुस्से में आके उसको एक शॉट दिया, उसमें वो मर गया। तो मेरे को पता ही था एक रूल है इसमें कि नो फाइटिंग। हाँ, पर मैंने उसको मार दिया। तो हमने एक दूसरे के बीच में मामला सलटा दिया, उसके वेट किया कि वो आके अपना सामान ले ले, पर वो इसमें भी बहुत स्लो था और मैं वेट करता। जैसे ही वो आया, हम लोग अपने अपने काम पे निकल गए जैसे ही उसने अपना सामान लिया। हाँ, और फिर वुड कटिंग के बाद हर्षल ने थोड़े टाइम बाद सॉरी लिख दिया, और मैंने हर एक अच्छे फ्रेंड के जैसे उसकी सॉरी मान लिया, उसको बोला कि वापस कभी मत करना। वैसे हम लोग वॉइस चैट में भी बोल सकते थे, पर हम तब भी थोड़ा चैट में कंटिन्यू कर रहे थे जिससे लाइक अगर कोई वॉइस चैट ना सुन पा रहा तो देख ले। फिर मैं वुड कटिंग करते करते मैंने देखा एक शीप है इधर, तो मैं जाके ऑब्वियसली एक ही काम किया, उसको मारने का, क्योंकि हमें बेड की बहुत ज़रूरत थी जिससे हम रात को सो के जल्दी से दिन कर सके। वहाँ पे मैं अक्षत को देखा, वो भी शायद मेरे को देख के वापस शीप हंटिंग पे लग गया और मैं वापस वुड कटिंग के काम पे लग गया। फिर थोड़ा और वुड कलेक्ट करने के बाद मैं खुद शीप हंटिंग के लिए निकल गया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक शीप चाहिए थी, पर मेरे को शीप मिली नहीं, तो मैं वापस वुड कटिंग पे लग गया। और क्या करता मैं,
और लकीली बाद में मेरे को एक शीप मिल गई जिसको मैंने मार दिया, और फाइनली मेरे पास इतने बुल हो गए थे बेड बनाने के लिए। फिर बाद में हम लोग हर्षल को ढूंढने लगे क्योंकि हर्षल मिल नहीं रहा था। हर्षल के पास पर एक बेड था और मेरे पास भी था, अक्षत के पास नहीं था। पर लकीली हमें सही टाइम पे दो शीप दिख गए और मैं उसके पास में था, अक्षत था दूर था मेरे से, तो मैं उस शीप को उसके लिए मारने चला गया और वो दोनों शीप्स को मार दिया क्योंकि दूसरे शीप से भी मटन मिल जाता है, तो लाइक एक को जिंदा रख के क्या ही करते। तो मैंने बाद में अक्षत को एक वुल दे दिया, हम तीनों के पास इतने वुल थे कि हम तीनों अपने लिए एक एक बेड बना ले। फिर हम लोग वापस हर्षल को ढूंढने निकल गए, पर ढूंढने से पहले मैंने एक और काव को मार दिया, पता नहीं मैंने क्यों बताया पर बस बता दिया मैंने। तो चलो आगे बढ़ने लगे फिर हम लोग हर्षल को ढूंढने, पर अब वापस इंटरप्ट करने एक क्रीपर आ गया जो अक्षत के पीछे लग गया। लिटरली मैं उसके पीछे चल रहा था पर उसने मेरे पे ध्यान नहीं दिया और अक्षत ने उसको मेरी तरफ धकेल दिया, वो मेरे पे फट गया। पर हम लोगों ने फिर भी कंटिन्यू रखा क्योंकि कोई हार्म नहीं हुआ। और फिर हर्षल हमें वहाँ पे काट के यहाँ पे दिखा, फिर जाके हर्षल ने भेजा है कि मैं काट के पास में हूँ। पता है उसको चैट में लिखने को ज़्यादा अच्छा लग रहा था वॉइस चैट में, को बहुत सी क्योंकि अक्षत वॉइस चैट में था, हर्षल उसी के साथ रहते ना ऑब्वियसली, भाई है तो उसके उससे बोला था एकदम लो आवाज़ आ रही थी, तो उसे चैट में लिखने में बहुत टाइम लगा दिया। तो फिर हम लोग ने वही किया, बेड बनाया, और हमने सोचा था कि हर एक पर्सनल कलर रहेगा। हर्षल ने येलो चूज़ किया था, मैंने ब्लू, और अक्षत ने अपना वाइट ही रखा था। तो मैंने अक्षत को ये बात बताई तो अक्षत बोला मैं तेरे लिए ब्लू फ्लावर लाता हूँ। पर जैसे ही मैं थैंक यू लिखने गया वो एक स्केलेटन से अटैक में लग गया, तो हम लोग उसको रेस्क्यू करने चले गए। हाँ जैसे ही अक्षत भागा हम लोग भी उधर से भाग गए, हर्षल फाइटिंग में लग गया था पर हमने उसको कैसे भी करके बुला लिया वापस वॉइस चैट में। फिर हम लोग हर्षल का वेट किए सबसे पहले, और फिर मैं जाके अपना बेड लगा के सो गया, और सुबह होते ही अब वापस निकल गए अपने जर्नी पे। और अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने स्टुपिडली अपना बेड उधर छोड़ के ही अपनी जर्नी पे वापस निकल गया। फिर हर्षल ने हमें एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि हमें एक घर बनाना चाहिए हम तीनों के लिए, जिस पे मैंने और अक्षत ने हम दोनों ने अग्री किया। और मैंने सोचा और वुड ले लेना चाहिए क्योंकि उसके लिए बहुत सारा वुड लगेगा, तो मैं ऑब्वियसली वुड कटिंग पे वापस निकल गया। बाड़ा बीम बाड़ा बूम। और फिर अक्षत ने एक बहुत अजीब चीज़ लिखी, पिंक कलर इज़ पावर का कलर, और मैंने सिर्फ एक चीज़ बोला, यू सोस। ये जोक कैसा लगा? फनी था ना? फनी था ना? नहीं, ओके कोई बात नहीं। फिर मैं थोड़ी ऐसे ही मस्ती कर रहा था, उतने में हर्षल ने लिखा कि तुम लोग कहाँ हो। तो मैंने लाइक एक हिंट ऐसा दिया कि लाइक ब्लू फ्लावर्स के यहाँ पे, जिससे कि वो शायद इजीली ढूंढ पाए, वो नेविगेट करके इधर आ पाए, तो मैंने ब्लू फ्लावर्स लिख दिया। और फिर मैं वुड कटिंग वापस कंटिन्यू किया, बीम बैम पा। और फिर मैंने, मेरे पास जितने भी लॉग्स थे उन सबके प्लैंक्स बनाए, मेरे पास 100 से भी ज़्यादा हो गए प्लैंक्स जो कि बहुत कूल है। और फिर मैंने यहाँ पे दो क्यूट रैबिट्स देखे, और फिर उनको देखने के बाद बस वुड कटिंग पे वापस लग गया। पता नहीं इतना वुड मेरे को यूज़ में आने वाला भी था या नहीं। फिर मैंने हर्षल को बोला कि मेरे लिए प्लीज़ बेड ले आए क्योंकि वो शायद उसके पास था, मेरे को जितना याद है। और फिर अक्षत ने मेरे को बुलाया क्योंकि वो फर्नेस में खाना कुक कर रहा था। तो पहले मैं लेने से पहले मैंने पूछ लिया कि क्या मैं ये ले सकता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, और जैसे उसने हाँ कहा मैंने पहले खाया और अपना सैचुरेशन पूरा किया, और सैचुरेशन पूरा करने के बाद उसको थैंक यू लिखा क्योंकि मैंने जैसे कि बताया मैं अच्छा बच्चा हूँ। और फिर हमने इतना अच्छा नज़ारा मिला हमें यहाँ पे, लाइक ये है 1.18 की ताकत। और फिर मैंने एक शीप को मार दिया और मेरे पास एक बेड जितने अव्वल हो गया था। फिर मेरे को हर्षल ने कुछ देने के लिए बुलाया, और उसने मेरे को क्या दिया? उसने मेरे को स्टोन टूल्स बना के दिए, और उन स्टोन टूल्स में मैंने देखा सब कुछ था। और फिर मैंने डर्ट माइनिंग चालू कर ली क्योंकि हम लोग सोचे हम लोग इधर ही घर बनाएंगे। फिर रात होने लगी तो फाइनली मैंने अपना ब्लू बेड बनाया, और ब्लू बेड बना के ही मैं जाके ऑब्वियसली सो गया। और सुबह होते ही वापस वुड कटिंग पे लग गए क्योंकि मेरे को लॉग्स चाहिए थे, प्लैंक्स नहीं चाहिए थे अब। ये पर थोड़ा फनी लगा मेरे को इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक बहुत लंबा ट्री मिला जिसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे घास जैसा ऊपर ना रह जाए।
पर ये ख़त्म नहीं हो रहा है। वापस पता नहीं मेरा पारा है चला गया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, मेरे को उसके GB जा रहा था। फिर अशा ने लिखा कि वो कर लेगा, तो मैंने उस पर सब छोड़ा, उसको ओके लिखा और उधर से भाग लिया, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर मैंने एक आइडिया सोच के रखा था, तो मैंने घर बनाना चालू कर दिया। फिर अर्शल ने मेरे को एक बार बुलाया, क्योंकि उसने हनीकॉम्ब डिस्कवर किया था जो हमारे काम आ सकता था। और फिर हर्षल अपने काम पे लग गया और मैं वापस घर बनाने में लग गया। फिर मैंने अक्षत को बुला के उसको मेरा डर्ट का स्टैक दिया और उसे बोला कि ये जो होल्स मैंने बनाए हैं इधर तक वो ये डर्ट फिल कर दे, जिससे कि मैं घर के लिए जगह बना पाऊँ मैं। हाँ, तो फिलिंग के काम पे लग गया और मैं ऑब्वियसली अपने घर के काम को कंटिन्यू करने लगा। फिर हर्षल ने लिखा कि वो कोबेस्टोन माइन करने जा रहे हैं, तो हमने हाँ कर दिया, जिससे कि लाइक एफिशिएंट काम हो सके। फिर मैं अक्षत को देखने गया, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तो मैं उसको ग्रीटिंग के लिए झुका उसके सामने कुछ 3-4 बार लाइक ग्रीट करने के लिए, और काम पे वापस लग गया। और फिर बाद में बस भी थोड़ा डर्ट ऐसा पड़ा हुआ था, तो मैं अक्षत की हेल्प करने लग गया, क्योंकि लाइक वो डर्ट वैसे भी हटाना ही, तो हेल्प ही कर देता अक्षत की। और फिर मैं डर्ट ख़त्म होते ही मैं वापस अपने काम पर लग गया। फिर मैं अक्षत से कुछ डर्ट लेने गया, क्योंकि मेरे को वो चाहिए थे अपने घर बनाने के काम के लिए, जिससे कि मैं आराम से चढ़ के। और फिर मैंने ये OP बेड क्लच किया, जिसमें अगर मैं छुट जाता हूँ मैं पक्का मर जाता, पर लकीली मैंने कर लिया और मैं एक और ज़िंदगी जिया। और प्लीज़ जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ जल्दी आके लाइक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी औसम कॉन्टेंट डालते रहते हैं। हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आई और बहुत मेहनत भी लगी, पर यही मेहनत और परिश्रम ने हमें इतनी ताकत दी कि हम आखिरकार इसको ख़त्म कर पाए। और ख़त्म होने के बाद हम बहुत खुश थे, हमने अपना घर कंप्लीट कर लिया था, हम तीनों एक ही घर में रहने वाले थे। और भी मज़ेदार बात, यह हर्षल का रूम था, हर्षल के पास एक क्यूट डॉग भी था जो उसने टेम किया था। यह अक्षत का रूम था और फिर ऊपर आ जाता था मेरा रूम, और मेरे रूम के ऊपर एक छत थी फिर, जिससे एक बहुत अच्छा व्यू आता था। ये व्यू देख के हमें ये सब याद आ गया, हमने कितनी मेहनत की है और हमें कितना अच्छा सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि हमने ये बना दिया आखिरकार। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो और जाने से पहले प्लीज़ जल्दी आके लाइक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये मेरी हेल्प करती है ऐसी वीडियोस बनाने में। और मैं शाउट आउट टू द लाइटनिंग ब्लेड को देना चाहता हूँ, वो एक्चुअली हमारे AK थे इसमें, अक्षत जो हमारे साथ पूरे टाइम वीडियो में थे, जिनने हमारी हेल्प की। ये उनका नया चैनल है, जल्दी आके उनको भी लाइक सब्सक्राइब कर दो, वो जल्दी अपना पहला वीडियो अपलोड करने वाले, हो सकता है आप वो पहले व्यूअर हो जिसने उनको सब्सक्राइब किया, एक्चुअली पहले नहीं दूसरे, क्योंकि मैंने करके रखा है। तो बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।